ये मैं अपने दिल बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। रही बस मम्मी पापा को बनाने की, मैं नहीं बना लूंगी, मैं आपको बस बताने आई हूं। नहीं मेरी भी चलेगी, मेरी राय लेनी पड़ेगी, वो नहीं ठीक है तुम्हारे लिए। तुम सोचो तो थोड़ा उसके बारे में, जानो तो तुम्हें जाना है, भला पता है। बस प्यार करना है, वो ठीक नहीं है। कम से कम पढ़ाई लिखाई पूरी करके कुछ काबिल तो बन जाओ, जाके वो कल को धोखा दे तो आगे लाइफ में तो अकेले सेट तो हो जाओ। वो कल को बीच में छोड़ जाएगा, तुम क्या करोगी? सोचा है कभी? वो मुझे नहीं छोड़ के जाएगा, वो मुझसे प्यार करता है। वो ऐसे नहीं करता, ये 4 दिन का प्यार का भूत तेरा उतर के नीचे आ जाएगा, समझ ले। मैंने आपसे कोई राय नहीं मांगी है, मुझे बस समझाइए मुझे क्या करना है, मुझे अपना आगे का पता है। जब प्यार का भूत उतर के तेरा नीचे आएगा ना, जब तू समझ जाएगी सब समझ में आ जाएगा तेरे। मैं बता रहा हूँ, चिल्लाओ मत, उस पर चिल्लाओ मत। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, चिल्ला तू रही, अपनी आवाज़ नीचे करके बात कर। आप लोग क्यों लड़ रहे हो यहाँ पे? आपको आने मैम, आप ये बताइए अभी आपने इन पे प्यार करने का भूत चढ़ा हुआ है, ये ठीक है या गलत है? आप क्यों बता रहे हो? आप ये है कौन? इंसान के नाते बता रहा हूँ, इंसान के नाते। आप क्यों चिल्ला रहे हो? आप क्यों चिल्ला रहे हो? एक मिनट मेरी बात सुनो, क्यों चिल्ला रहे हो आप? ये कौन है आपके भाई? है मेरे बड़े। तो आप अपने भाई पे चिल्ला सकते हो, आप मेरे पे नहीं चिल्ला सकते हो, ठीक है? आपका जो ये एटीट्यूड है ना, ये आप अपने जेब में रखो, नहीं तो आप जैसे लड़कियों के ना एटीट्यूड निकालने बहुत अच्छे से आता है मुझे। आप आए क्यों यहाँ पे? आप क्या क्यों आप मुझे बताओगे कि मैं आऊँ या ना आऊँ? क्यों चिल्ला रहे हो आप? क्या प्रॉब्लम है? छोटी अभी एक लड़की ने प्यार में फंसा रखा है, उसके खाते कहती है मैं उससे शादी करूंगी अभी से। अच्छा तो कर लेने दो, 8वीं क्लास में मैम, कर लेने दो। 8वीं क्लास में क्यों, 5वीं क्लास में कर लेंगे, कर लो ना, फिर क्यों नहीं कर रहे हो आप? होती कौन है से राय मांग रहे हो? तरीके से बात करो आप, सुनो मेरी बात, तरीके से बात करो। मैं आपसे तरीके से बात कर रही हूँ, आप छोटी हो एज में, तो आप उसी तरीके से बिहेव करो तो वेल एंड गुड है, ठीक है? और ये सही बोल रहे हैं, प्यार का भूत जब ये 4 दिन में उतर जाएगा ना, तब आपको असलियत समझ में आएगा कि जिंदगी क्या होती है। कम से कम उसके बारे में जानने की कोशिश तो करो, वो है कैसा, क्या करता है वो लड़का? वो कुछ भी नहीं करता, अलावारा ऐसे घूमता है। ठीक है, क्या करता है वो लड़का? स्टडी कर रहा है, स्कूल में है मेरे साथ। आपके साथ स्कूल में? कौन सी क्लास में है वो? सेम स्टैंडर्ड है हमारा। सेम स्टैंडर्ड है, ठीक है। प्यार कर लोगे, खाना कहाँ से खाओगे? वो करेगा जॉब आगे, हम भी करेंगे। अरे तो आगे जॉब करेगा तो आगे जाके शादी करो ना, शादी आज क्यों कर लेनी है आपको? जॉब बाद में करनी है, शादी आज ही करनी है आपको। शादी बाद में नहीं हो सकती है, कहीं भागा जा रहा है वो? वो सब मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता? समझी नहीं रही है। फैमिली क्या बोल रही है आपके मम्मी पापा? फैमिली को अभी कुछ भी नहीं पता है। फैमिली को नहीं बताया आपने? बता दूंगी और वो मान भी जाएंगे, तुम्हारी राय नहीं मानेंगे। क्यों? आपकी फैमिली, आपकी फैमिली, आपकी फैमिली, आपकी फैमिली चाहे किसी की भी फैमिली कभी एग्री नहीं होगी कि उनके बच्चा 8वीं स्टैंडर्ड में शादी करे। और आपको शर्म आनी चाहिए। क्या करता है वो लड़का? कुछ नहीं करता है, पढ़ाई करता है। कैसे? पढ़ाई के बाद ही तो जॉब करते हैं ना। पढ़ाई के बाद ही शादी करना ना, पहले देख लो कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है। अरे आपका भाई इस तरीके से पब्लिक प्लेस में आपको बोल रहा है, आपको थोड़ी शर्म नहीं आ रही है? मतलब थोड़ा कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है? ये भी तो समझे ना, मैं प्यार करती हूँ उससे। तो प्यार करते हो ना, करो ना, आपको उसके लिए थोड़ी मना किया जा रहा है, उसके लिए थोड़ी कोई मना कर रहा है आपको। लेकिन अभी उसके सही वक्त नहीं है ना, आप अपने बारे में सोचो। आपको अपनी पढ़ाई पहले पूरी करनी चाहिए, आपको आपका जो भी वो हस्बैंड है चाहे बॉयफ्रेंड है, एटलीस्ट उसको टाइम तो दो कि हाँ चलो ठीक है एक बार जॉब करे, वो सेटल हो जाए, तभी तो आपको अपने साथ रखेगा। उसकी फैमिली अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो कहाँ रहोगे आप? हम अलग रह लेंगे। कहाँ से रहोगे? रहने के लिए पैसे चाहिए ना, कैसे कमाओगे? 8वीं क्लास में कोई जॉब नहीं देगा, धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ये आपका भाई है इसलिए आपको समझा रहा है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने उस लड़की से बात करने की कोशिश की? नहीं की। आप अपनी फैमिली को क्यों नहीं बता रहे हो? मैं इसे अकेले पर समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ उन्हें टेंशन ना दूँ। नहीं आप उनको टेंशन दो, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी बेटी पर पूरी नज़र रखे, अपना पूरा ध्यान दे, अपना पूरा टाइम दे। आप क्या कान भर रहे हैं उनके, नज़र रखे? बिल्कुल कान भरा जा रहा है ये। जी हाँ, ये काम की कोई फिक्र ही नहीं है, इनकी जबान बहुत चलती है, पता है क्या? हाँ, चलती है। मैंने पहली बार लाइफ में ना इतने छोटे बच्चे को इस तरीके से बात, बदतमीजी से बात करते हुए देखा है। आपको अच्छा लग रहा है आपकी परवरिश के बारे में इस तरीके से बात किया जाएगा कि कैसी परवरिश मिली है कि ऐसी बातें कर रहे हैं? आपकी वजह से आपकी पेरेंट्स को गाली सुननी की पड़ी, मतलब गालियाँ सुननी पड़ी, अच्छा लगेगा आपको? लगेगा अच्छा? जी नहीं। आप अपने पेरेंट्स को पूरी एकदम क्लियरली बताओ, आज ही शाम को बताओ, इस बात को छुपाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ध्यान रखें इन पर, ठीक है? और आप तो ऐसे कान भर रही है, वो मेरा स्कूल छुड़वा देंगे ऐसे तो। तो पढ़ लिख के आप कर क्या रहे हो? जब बात ही आप बेवकूफ़ी वाली कर रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो फिर? मत पढ़ो, मत जाओ स्कूल।
और ये सही बोल रहे हैं कि 4 दिन बाद आपके भूत उतर जाएंगे। मैं आपको बताऊं, देखो मैं एज अ छोटी सिस्टर आपको बता रही हूँ। आपका नाम क्या है? अनु नाम है आपका। एज अ छोटी सिस्टर मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको कोई मना नहीं कर रहा है कि आप उससे बात मत करो, आप उनसे प्यार मत करो, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं ना कि एटलीस्ट आप अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाओ। आप किसी पर डिपेंड ना मत रहो। कल होके अगर ये सही बोल रहे हैं कि कल होके अगर वो आपको लात मार के भगा देगा तो कहाँ क्या करोगे आप? तो तुम अपने आप को संभाल लो। परमानेंट होता है क्या कुछ? तो कहाँ जाओगे फिर आप? ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही है आपको? और आपको अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, आपकी फैमिली की आपकी आपसे कुछ उम्मीद होगी, एटलीस्ट उसके बारे में तो सोचो। आप अभी स्कूल में हो, अभी कॉलेज करो, फिर आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद ये करना। देखो आप लड़की हो, शादीवादी होना तय है आपका। ऐसा नहीं कि आप बिना शादी के रहोगे, नहीं है। उसको भी टाइम दो थोड़ा और। कितने दिन से जानते हो आप उनको? 1 वीक हो गया। 1 वीक में आपको शादी भी करना है? मतलब 1 वीक में ही आपको इतना प्यार हो गया कि आपको उनसे शादी भी करना? 1 वीक में तो आप ढंग से जानती हैं पहले से ही। अरे जानती है आप पहले से ही हो, ठीक है, लेकिन 1 वीक में क्या है? 1 वीक में आपने डिसाइड कर लिया कि आपको शादी करना है? 1 वीक में तो आप कुछ भी नहीं जान पाओगे। अनु मैंने ना आपके साथ एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वो पेड़ के पीछे देखो कैमरा है, उसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। व्हाट द हेल, आप होते को ना क्यों रिकॉर्ड किया आपने? अब क्या करोगे आप? वीडियो ही बना ली। हाँ, अब क्या होगा? मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप जो है उनको ये देखना चाहिए कि उनके पेरेंट्स जो उनके बारे में सोच रहे हैं वो सही है, और पेरेंट्स के लिए भी ये सबक है। क्या आप अपने सब बदतमीजी करी, सब रिकॉर्ड कर लिया आपने? ठीक है, वो किसने आप बदतमीजी करे हो तो सही बात है ना। आपने तो कुछ रिकॉर्ड किया आपने? मैं आपसे पूछ के नहीं करूँगी अनु। आप ना जिस तरीके से हो आप उसी तरीके से बिहेव करो, जिस एज के हो आप उस तरीके से बिहेव करो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और जो ये आपका एटीट्यूड है थोड़ा इसको कम करो, जीवन में आगे बहुत काम आएगा। इस तरीके से अग्रेसिव नहीं होते हैं। और मैं बताऊं, जितने भी पेरेंट्स हैं ना उनको बहुत नज़र रखनी चाहिए। आपके पेरेंट्स की भी गलती है, उन्होंने इन पर नज़र नहीं रखा। उनको भी नज़र अपने बच्चों को उस तरीके से सिखाते रहे हैं वो कि क्या ज़रूरी है, किस टाइम कौन सी चीज़ें होनी ज़रूरी होती है। जब तक वो चीज़ें नहीं होगी पेरेंट्स को केयरफुली अपने बच्चियों पर ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज कोई और इसका मिसयूज करेगा। मैं सही बताऊँ, आप अभी शादी कर लोगे ना, मैं सही बताऊँ लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये एकदम फैक्ट बातें हैं। आपको पहले पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है? ऑब्वियसली पढ़ाई करनी है, कुछ बनना। हाँ, तो अभी भूल जाओ शादी और प्रॉमिस करो अपने भाई को कि वही करोगे जो आपका भाई चाहे आपके पेरेंट्स बोलेंगे। आपको अभी थोड़ा टाइम, देखो आपको ही शादी होनी है, तय है। आप लड़के को भी थोड़ा परखो ना, 1 वीक ही हुआ है, एटलीस्ट 2-3 साल परखो। उसके बाद भी अगर आपको लगा कि उसको शादी करनी है आपसे तो कर लेना। आपका भाई आपसे बुरा थोड़ी चाहेगा, ये चाहेगा कि मेरी बहन का खराब हो, कुछ भी चाहेगा कि मेरी बहन खुशी ना रहे, चाहेगा कभी भी नहीं चाहेगा ना। ये आपके भले के लिए बोल रहा है, आप अपने पेरेंट से बात करो। मैं शाम को बात करूँगा इसको। ये सारी चीज़ें ना ऐसी नहीं है कि आप छिपा लो चाहे कुछ भी करो, आपको स्ट्रिक्टली आप अपने पेरेंट्स से खुल के बात करो कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कल हो के आप भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हो। समझ रहे हो?